हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग कभी ना कभी शमशान घाट जरूर गए होंगे, किसी ना किसी के क्रिमेशन पे, राइट? आप जब वहां पे जाते हैं, आपने अपनी फीलिंग को फील किया है? किस तरह की फीलिंग होती है वहां पे? क्या कभी आपको वहां पे जाने के बाद ऐसी फीलिंग हुई है जैसी सिनेमा हॉल में एक रोमांटिक मूवी को देखते हुए या सिनेमा हॉल में एक एक्शन मूवी को देखते हुए हो सकती है? कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और कभी आप हल्के फुल्के माहौल में, हल्के फुल्के मूड में मूवी देखने जा रहे हैं, अच्छे खासे माहौल में, फैमिली के साथ, सबके साथ, तो सिनेमा हॉल में कभी वो फील हुआ है आपको जो एक शमशान घाट में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसका कारण है, देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, डिफेंस सर्विसेज को देखा है कभी? डिफेंस सर्विसेज में सदियों से चला आ रहा है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, या 4 बजे उठना, वही यूनिफॉर्म, चाहे एक छोटा सा एम्प्लॉई हो, चाहे सीनियर मोस्ट जनरल भी हो, वही यूनिफॉर्म, वही तमगे, वही सब कुछ, लगा लगू के बिल्कुल अटेंशन, बिल्कुल उसी पोजीशन में रहना। क्यों यार, क्या मतलब है इनका? कैजुअली भी तो बैठ सकते हैं, अरे बैठ यार, तू कर्नल है, तू जनरल है, कोई दिक्कत नहीं, बैठो आराम से, चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबल नहीं है, डिफेंस एक दिन में बिखर जाएगी अगर इस तरीके से किसी भी देश की डिफेंस काम करे। देखिए हर काम का, हर चीज का एक माहौल होता है। मंदिर में जाने के बाद हम अपने आप ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। वहां पे कोई भी ऐसी भावना, कोई भी ऐसी चीज आ ही नहीं सकती आपके दिमाग में जो गलत हो। शमशान घाट में शमशान घाट का ही माहौल होगा, सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल का ही माहौल होगा। उसके बावजूद मैं जब देखता हूं ना आज के यंगस्टर्स को, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी हल्की फुल्की कॉमेडी देखनी होगी, कोई भी मूवी देखनी होगी, कोई भी कोई ऐसी चीज देखनी होगी, ईयरफोन लगाएंगे, पहले फोकस चाहिए उनको। और अभी कोई भी लर्निंग की चीज होगी ना, जिससे कुछ लर्न कर सकते हैं, कुछ इम्बाइब कर सकते हैं, तो वो कैजुअली देखेंगे। कैजुअल इन्वायरमेंट में लर्निंग कैसे हो सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए यूट्यूब पे हजारों चैनल है जो फ्री में सिखा रहे हैं सब चीजें, हजारों, क्या मैं कह रहा हूं कि लाखों चैनल भी हो सकते हैं, राइट? बहुत सारे चैनल्स ने एजुकेशन को ऐसा बना दिया है, एजुकेशन विद इंटरटेनमेंट, हम लोग इंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन सिखाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इंटरटेनमेंट के साथ डिफेंस सर्विसेज सिखाती है ना अपने ट्रेनर्स, अपने ट्रेनीज को ट्रेन करती है कि इंटरटेनमेंट के साथ हम आपको ट्रेन करेंगे, फिर आप जाना बॉर्डर पे लड़ने, पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं बता रहा हूं, आप यू आर प्लेइंग विद योर करियर इफ यू आर लर्निंग इन दैट वे। देखिए इंटरटेनमेंट के साथ जो लोग ट्रेनर हैं, जो लोग सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, उनके व्यूज बहुत ज्यादा होंगे डेफिनेटली। क्यों? बिकॉज लोग वहां जा रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए। आप कभी भी नोटिस करिए, अपने दिमाग से सोचिए, आप मेमोराइज कीजिए कि आपने जितने भी चैनल्स ऐसे देखे हैं जहां पे इंटरटेनमेंट के साथ लोग सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको, भाई इसका सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है क्योंकि इंटरटेनमेंट के साथ सिखा रहे हैं, आपने कितना सीखा उनसे, आपने कितना सीखा, कितने साल से देख रहे हो, कितने महीने से देख रहे हो, कितना सीखा और कहां तक पहुंचे हो आप? अगर ऐसा होता ना तो जितने भी हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो बहुत अच्छी एक्टिंग करने वाले हैं ना, वो सब ट्रेनर होते, सबको डिफेंस में ले लिया होता, क्योंकि हमारा जो एक एक सोल्जर आज की कैपेसिटी में ना, उससे 1000 गुना हो गया होता। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। आई एम सॉरी अगर आप वैसे किसी को मेरी बात गलत लग रही हो, बट दिस इज द फैक्ट। आप सोचिए ना, हम सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, दिमाग दिया है भगवान ने, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी अगर हम इस चीज को, सीरियसनेस को अगर हम सोच नहीं सकते, मैंने जो जो एग्जाम्पल आपको पुटअप किया है, यू जस्ट मेमोराइज, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दिस वॉज माई ओपिनियन, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा ओपिनियन था, मेरा इंट्रोस्पेक्शन था, तो मैंने सोचा लेट्स डिस्कस विद यू, लेट्स शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच।